वेलकम बैक गाइस, आज हम इस वीडियो में न्यूरो की टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर लिखते हैं अपने ट्रीटमेंट में। पहले हम इस वीडियो में इस टैबलेट की कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके प्राइस रेट के बारे में बताऊंगा और फिर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे कि इसे किस किस बीमारियों में यूज़ करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टैबलेट है ये शरीर में जाके कैसे हीलिंग में मदद करती है, फिर इसे कैसे लेना है और इसकी डोसेज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज ये है स्मार्ट ड्रग से फेमस स्ट्रोसिड प्लस टैबलेट और इसकी कंपनी की बात करें तो इसे सन फार्मा बनाती है, बहुत ही फेमस कंपनी है गाइज ये। और इसकी प्राइस रेट की बात करें तो 618 की आपको 10 टैबलेट मिलती है। अल्टरनेटिव ऑप्शन में आप न्यूरोसिटैम प्लस टैबलेट ले सकते हैं, देखिए गाइज कुछ ऐसी मिलती है आपको स्ट्रोसिड प्लस। और इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें पिरासीटैम आपको मिलता है, साथ में सिटिकोलिन, दो इंग्रेडिएंट मिलते हैं इसमें। पिरासीटैम इसमें आपको 800 मिलीग्राम का और सिटिकोलिन 500 मिलीग्राम मिलती है। पीछे आप इसकी एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चर डेट देख सकते हैं, ये देखिए MRP 618 रुपये 10 टैबलेट की कॉस्ट है और ऑलरेडी मैंने बता दिया ऑफकोर्स। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसके ऊपर रेड मार्किंग की हुई है, रेड लेबल है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो इस फील्ड का जो ये न्यूरो की टैबलेट है इसका स्पेशलिस्ट मतलब न्यूरोलॉजिस्ट ही इसको प्रेस्क्राइब कर सकता है, वही बताएगा इसकी डोज वगैरह पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एज़ डायरेक्टेड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट। ओके गाइज़ देखिए, अगर आप अच्छे से पता करना चाहते हैं कि ये टैबलेट किस प्रकार काम करती है, कैसे ये बीमारी को ठीक करती है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। वीडियो लंबा ज़रूर है गाइस, लेकिन जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो जानकारी आपको कहीं भी पता नहीं चलने वाली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिरासीटैम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार की न्यूट्रोपिक ड्रग है, जो गाबा एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, ब्रेन में पाया जाने वाला केमिकल, जिसे स्मार्ट ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। स्मार्ट ड्रग इसलिए गाइस क्योंकि ये दिमाग को बूस्ट करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, ये कंसंट्रेशन और फोकस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूरोपियन कंट्री में जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम्स के टाइम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज़ तो क्या करना है इसका मिसयूज़ करते हैं। ऐसे मेडिसिन इसका जो यूज़ है वो स्ट्रोक, अधरंग, पैरालिसिस की बीमारी को ठीक करने में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एपिलेप्सी मिर्गी होती है उसको ठीक करने में, अल्जाइमर डिजीज़ जो भूलने की बीमारी होती है एक तरह की उसको ठीक करने में, एंजाइटी, चिंता वगैरह, DVT और डिप्रेशन, वर्टिगो, चक्कर आने जैसी बीमारियों को ठीक करने में इसको यूज़ करते हैं। ये जो ब्रेन एजिंग प्रोसेस है उसको भी बहुत हद तक धीमा करता है और जो इसका यूज़ है वो शराब को छुड़वाने में भी किया जाता है। आगे बात करते हैं सिटिकोलिन की। तो गाइस जो सिटिकोलिन है वो प्राकृतिक रूप से ब्रेन में ही पाया जाता है, ये एक प्रकार का कॉग्निटिव सपोर्टिंग ब्रेन न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट होता है एक तरह का, ये ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का जो फ्लो रेट है उसको बढ़ा देता है, उसका दौरा बढ़ाता है। ये आपके थॉट, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल्स के माध्यम से जो लाखों छोटे सेल्स होते हैं साइनेप्सिस वहाँ तक भेजता है, ये प्रोसेस आपके दिमाग में सेल में स्टोर्ड जो एनर्जी होती है जो दिमाग को चाहिए होता है एनर्जी, वो जो न्यूट्रेंट है वो सिटिकोलिन से मिलता है एनर्जी। ये फोकस और अटेंशन को सपोर्ट करता है, ब्रेन को एनर्जी देता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी है उसको भी तेज करता है। इसको सबसे पहले जापान ने डेवलप किया था स्ट्रोक की बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन बाद में यूरोपियंस कंट्री ने इसकी मार्केटिंग की और वहाँ पर भी है जो इस दवाई से इलाज होने लगा।
तो जो इसका इलाज है वो लॉन्ग टर्म ब्लड सर्कुलेशन, जैसे सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, जो स्ट्रोक होता है, अधरंग या पैरालिसिस, काफ़ी लोग पैरालिस अधरंग के नाम से जानते हैं, पैरालिसिस के नाम से जानते हैं स्ट्रोक को, तो स्ट्रोक रिकवरी में भी इसका यूज़ करते हैं। 3-4 महीने तक जो है दवाई चलती है। एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, जो 50 से 80 साल के बीच में मेमोरी लॉस हो जाता है कई लोगों का, उससे भी उसका भी इलाज होता है इसी दवाई से। ट्रायूमा, हेड ट्रायूमा, सिर में चोट लगना, डेमेंशिया, भूलने की बीमारी, पार्किसन डिजीज़, डाउन सिंड्रोम और डिसलेक्सिया, जो आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, तो जो लड़की को बीमारी थी, अक्षर वगैरह याद नहीं रख पाता था, भूल जाता था, तब सलमान खान आया, आमिर खान आया, फिर उसने उस बीमारी में उसको रिकवर करने में हेल्प किया, तो मतलब इस बीमारी को भी ठीक किया जाता है। लेज़ी आइज़ और ग्लाइकोमा को भी ट्रीट किया जाता है। तो गाइज़ आगे बात करते हैं कि इस दवाई को लेना कैसे है। तो आप इस दवाई को पानी के साथ ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी डोसेज की। तो गाइज़ नॉर्मली जो इसकी डोज है वो एक गोली दिन में 2 बार है नॉर्मल पेशेंट के लिए, और जो पेशेंट क्रॉनिक सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ के होते हैं आप उन्हें एक गोली रात में दें 24 आवर में, मतलब एक गोली देनी है अपने, और नॉर्मली 3 से 4 वीक तक आप दे सकते हैं। और जो इमिडिएटली ट्रीटमेंट होता है स्ट्रोक का क्लोटिंग के कारण, जिसे एक्सेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें आप 4 गोली 24 आवर में दे सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, सिर में दर्द होता है, दस्त लग जाते हैं, बीपी का कम ज़्यादा होना, उल्टी, जी कच्चा, ब्लड वर्जन धुंधलापन दिखता है, छाती में दर्द होता है, आदि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो चलिएगा जिसे मैं आप खोल के भी आपको दिखाता हूँ कि ये टैबलेट कैसी दिखती है। तो देखिए हम इसे खोल रहे हैं, ये देखिए गाइज़ ये लाइट कोका कोला कलर की टैबलेट है, ये देखिए कुछ आपको इस प्रकार दिखती है। और अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी आपके सवालों का आंसर देके। ओके गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,